घड़ी, कविता द क्लॉक पोयम, क्लास 3 हिंदी। टिक टिक करती चलती घड़ी, आराम कभी ना करती घड़ी, सुबह सबको जगाती घड़ी, समय का ज्ञान कराती घड़ी। यहाँ पे घड़ी की विशेषताओं को बताया गया है कि घड़ी वो टिक टिक करके चलती है और कभी भी आराम नहीं करती है, चलती ही रहती है, सुबह सबको जगाती है और समय का ज्ञान कराती है। चलते रहो की सीख देती घड़ी, वक्त का मूल्य सिखाती घड़ी, समय को समझाती है घड़ी, टिक टिक करती चलती घड़ी। यानी चलते रहो कि आप अपना काम करते रहो, इस तरह से हमें सीख देती है घड़ी और वक्त का मूल्य सिखाती घड़ी, यानी समय का पाबंद हमें बनाती है, समय का ज्ञान करवाती है और समय को समझाती है घड़ी और टिक टिक करके चलती है घड़ी, कभी आराम नहीं करती घड़ी। एक्सरसाइज है स्वाध्याय। कोष्टक से सही शब्द चुनकर पंक्ति पूर्ण करो। यहाँ पे कोष्टक में जो दे रखे हैं उनमें से आपको शब्द चुनने हैं कि कोष्टक में यहाँ क्या आएगा रिक्त स्थान में, कि टिक टिक करती घड़ी, तो कैसे चलती है घड़ी, चलती टिक टिक करती चलती घड़ी। समय का कराती घड़ी, तो क्या कराती है, समय का ज्ञान कराती है, तो ज्ञान आएगा। सबको जगाती घड़ी, कब जगाती है, तो सुबह को जगाती घड़ी, सुबह। रहो की सीख देती घड़ी, तो क्या, चलते रहो की सीख देती घड़ी, चलते रहो। समय को है घड़ी, तो समय को रुलाती है या समझाती है, तो समझाती है, समय को समझाती है घड़ी। घड़ी का चित्र देखो और समय लिखो, ये आपको चित्र देखना है और उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम लिखना है। लुक एट द क्लॉक एंड राइट द टाइम, कि यहाँ पे कितने बजे हुए हैं, तो 4 बजे हैं, इसमें 4:15 हुए हैं, इसमें 4:30 हुए हैं और इसमें 4:45 हुए हैं।